जॉब से रिगार्डिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करें अपने मोबाइल पर लेटेस्ट जॉब पाने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे मेरी आपसे भी सही होगी और मैं भी सही हूँ। आज जो हम बात करेंगे, काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट हमारे पास में है। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो ज़रूर वीडियो को पूरा देखें, और इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इंशाल्लाह आपको काफ़ी अच्छी और बेहतरीन जो रिक्वायरमेंट है ये, और उसी के बारे में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और ये जो काम रहेगा सऊदी अरब का रहेगा, और ई कॉमर्स कंपनी है। जैसे कि आपने ई कॉमर्स की काफ़ी सारी पहले वीडियो देखी हैं, और ई कॉमर्स में काफ़ी सारे बंदे जाते भी हैं और उसके लिए इंटरेस्ट भी होते हैं, क्योंकि इन कंपनियों में जो काम रहता है वो काफ़ी कम काम रहता है और सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या काम करना रहेगा आपको, क्या कंपनी रिक्वायरमेंट जो है नेट के अंदर वो नॉलेज होना चाहिए, तो इसमें अप्लाई कर सकता है। वो सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ। अगर आप सऊदी अरब के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट तलाश कर रहे हैं, कोई भी जॉब तलाश कर रहे हैं, तो आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें। और सबसे मेन चीज़ ये है कि इसमें आप फ्रेशर हों, रिटर्न हों, जैसे भी हों, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फिर पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर चैनल आप हमारा पहली बार देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं जॉब से रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ ले पाएँ। और चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट है ये काफ़ी बेहतरीन है, जैसे कि आपने टाइटल, थंबनेल वगैरह सारी चीज़ देख ली होगी। बात करते हैं सबसे पहले इसमें जो काम रहेगा आपका, ई कॉमर्स कंपनी में जो काम रहता है वो ज़्यादातर, और जो जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सारी जो है ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं, इनके अंदर जो काम रहता है पैकिंग का, क्लिनिंग का, लोडिंग का, अनलोडिंग का, ये सारे काम रहते हैं इनके अंदर। तो अगर आपको काम करना है सऊदी अरब के अंदर भी ये कंपनी ई कॉमर्स, तो इसमें आपको पैकिंग का भी काम मिलेगा, क्लीनिंग का भी मिलेगा, लोडिंग का भी मिलेगा, अनलोडिंग का भी मिलेगा। और इसमें जो आपका काम रहेगा, यानी कि जनरल लेबर मानिए इसमें आपको, ठीक है? यानी कि जो भी काम कंपनी वाले आपसे बोलेंगे, जब पैकिंग का काम रहेगा तो पैकिंग का आपको काम करना रहेगा, और आपको क्लीनिंग का भी काम बोलेंगे तो क्लीनिंग का करना रहेगा, और आपको जो है QR कोड वगैरह स्कैन करने का बोलेंगे तो वो करना पड़ेगा, ऑल टाइप से आपको काम करना रहेगा। लेकिन आपका यह इंडोर काम रहेगा, जनरल हेल्पर चाहिए हमें, काफ़ी सारे बंदे चाहिए, सेल्फ सिलेक्शन है, इसमें किसी तरह का कुछ आपको देने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ मैं आपको बतलाऊंगा सिर्फ वो चीज़ आपको आना चाहिए, तो आप डायरेक्टली आकर इसमें इंटरव्यू किसी भी तरह का नहीं है, डायरेक्टली आकर मेडिकल कराएं, आपका बिल्कुल डायरेक्टली वीज़ा लग जाएगा। और इसमें मैंने आपको काम बता दिया, ई कॉमर्स इंडोर काम है ये आपका पूरा, आपको QR कोड वगैरह की नॉलेज होना चाहिए, और इसके लिए आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इसमें जा सकते हैं, और इसके लिए हमें प्रूफ देना होगा आपको कि हाँ भाई आपको इंग्लिश आ गया। अब प्रूफ क्या आपको देना होगा इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। एक अपना वीडियो बनाएं, अपना नाम बताएं पहले तो हमें वीडियो में अपना, उसके बाद में थोड़ा पढ़ता हुआ दिखाएं वीडियो में कि भाई हाँ ये बंदा पढ़ रहा, रीड कर रहा, उसके बाद में थोड़ा उसको लिखना आना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ वीडियो में दिखाएं हमें, और उसके बाद में उस बंदे का जो है डायरेक्टली मेडिकल हो जाएगा और वो काम पर जो है अप्लाई हो जाएगा उसके लिए। तो ये सारी काम है हमारे पास में। अगर आप इसमें जनरल हेल्पर में जाना चाहते हैं सऊदी अरब ई कॉमर्स कंपनी में, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें कंपनी आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रही है। कंपनी जो आपको प्रोवाइड कर रही है अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह सारी चीज़ प्रोवाइड कर रही है। अदर बेनिफिट जो है सऊदी के लेवल के हिसाब से आपको दिए जाएंगे। और इसमें जो आपकी ड्यूटी रहेगी 10 घंटे की रहेगी, 1 घंटे का आपका उसी के अंदर इंक्लूड भी रहेगा, यानी कि 9 घंटे की प्लस 1 घंटा भी रहेगा, तो 10 घंटे की आपकी ड्यूटी रह गई। और इसमें OT जो रहेगा कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि OT आपको कितना प्रोवाइड करेगी। और बात करते हैं इसमें आपकी सैलरी की, तो सैलरी जो इसमें आपकी लगने वाली है वो 1100-200 लगेगी, यानी कि ₹1300 आपकी सैलरी लगेगी 10 घंटे की बेसिक सैलरी। और कंपनी आपको सारा कुछ फैसिलिटीज़ आपको दे रही है अगर कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई। और इसमें जो आपकी एज चाहिए वो 21 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहता है तो अप्लाई कर सकता है। और इसमें भी हमें जो चाहिए लगभग काफ़ी बंदे चाहिए, ये सेल्फ सिलेक्शन है, और सिर्फ आपको वीडियो देना है, पासपोर्ट का दोनों साइड स्कैन भेजना है, और आपको जो है अपना CV एक भेजना होगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एक वाइट बैकग्राउंड में आपको भेजना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप भेजिए हमें, उसके बाद में इंशाल्लाह आपका ये जो काम जल्दी हो जाएगा। और बात करते हैं इसमें दूसरा काम है वेयर हाउस और लेबर का, वो भी उसी का ई कॉमर्स कंपनी के अंदर रहेगा, तो उस वो सेम कंडीशन बिल्कुल इसमें भी है। और इसमें भी आपका काम जो रहेगा वेयर हाउस हेल्पर में, तो उसमें भी आपका जो ज़्यादातर काम जो रहता है सामान को इधर से उधर रखना होता है, ये काम उसके अंदर ही रहता।
इसमें आपकी जो सैलरी लगने वाली है 10 घंटे की, वो 900-200 लगने वाली है, यानी कि 1100 रुपया लगने वाली है। अगर कोई कैंडिडेट इसमें इंटरेस्ट है जाने के लिए तो वो भी जा सकता है और वो भी अप्लाई कर सकता है। और बात करते हैं, इसमें आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो 2 साल का रहेगा, और कैंडिडेट जो बंदे को इंग्लिश आना चाहिए जनरल हेल्पर में अगर आप जाना चाहते हैं तो, क्योंकि इसमें जो काम रहेगा ज़्यादातर क्यूआर कोड स्कैनर का काम ज़्यादा रहेगा उसमें। जनरल हेल्पर मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि कोई भी काम आपको वहाँ पे दे मैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो पाए, और आप वहाँ पे ये नहीं कह सकें कि हमें तो ये काम नहीं बतलाया था। तो वो चीज़ मैं आपको जनरल हेल्पर बोल रहा हूँ, और सारे काम इसलिए बोल के मैं आपसे रख रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाए। और बात करते हैं उसके बाद में, हमें चाहिए लाइट मीडियम ड्राइवर, जिसके बाद में मीडियम लाइसेंस हो, सबूदी का रिटर्न बंदा होना चाहिए, वो भी हमें चाहिए उसी कंपनी के लिए। और उसकी जो ड्यूटी की बात करें, 10 घंटे की ड्यूटी रहेगी, और कंपनी उसको भी अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह सारी चीज़ प्रोवाइड कर रही है। अदर बेनिफिट जो हैं सऊदी के लेवलों के हिसाब से हैं। और बात करें सैलरी की, तो उसकी जो सैलरी लगेगी 1500-200 लगेगी, यानी कि 1700 रियाल लगेगी। और एज जो होनी चाहिए वो 21 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। बंदे को इंग्लिश और अरबी का आना ज़रूरी है। अगर रिटर्न है तो जाहिर सी बात उसको या अरबी वगैरह तो आती होगी, इंग्लिश नहीं आती है तो। अगर कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें और अदर इन्फॉर्मेशन हमसे ले सकता है। ये जो काम है वेरी अर्जेंट काम है, अगर इसमें आप जाना चाहते हैं तो डायरेक्टली हमें कॉन्टेक्ट करें। और डॉक्यूमेंट्स जो आपको स्कैन करा कर प्रॉपर भेजने हैं, सिर्फ आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, उसके बाद में एक वीडियो भेजेंगे तो जो है आपको हम बता देंगे कि आपको कब आना है और कब आके मेडिकल कराना है। अब बात करते हैं सर्विस चार्ज की, तो सर्विस चार्ज तीनों में अवेलेबल है। अब अगर किसी भी कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं तो सर्विस चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। और बात करते हैं काम की, तो इंशाल्लाह आपका काम जो है 1 महीने के अंदर अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं जॉब से रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत वीडियो देख पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कर सकें। वीडियो को लाइक कर दें और हो सके तो दोस्त का शेयर करें। अगर आपकी प्रोफाइल से ये जॉब मैच करती नहीं है तो आप अपने दोस्त को शेयर करें ताकि वो इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं और वो अपनी लाइफ को सेट कर सकें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।